लोकसभा चुनावों में काउंटिंग के दौरान वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल की सभी पर्चियों को गिना जाए या फिर पहले की तरह ही ईवीएम से ही काउंटिंग की जाए, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता को पता हो कि उसका वोट किसके हक में गया है। वोटर को 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं या फिर वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और वो इस पर्ची को एक बॉक्स में डाले, इसे गिना जाए। दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना। प्रशांत भूषण ने जर्मनी चुनाव का जिक्र भी किया, जहां वीवीपैट का डिजाइन बदला गया है। प्रशांत भूषण के सवाल पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। इस पर भूषण ने बताया कि 5 से 6 करोड़ और भारत में 50 से 60 करोड़ वोटर हैं। जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यहां कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी ये लोग हर लोकसभा सीट में केवल 5 वीवीपैट मशीन की गिनती करते हैं, जबकि वहां पर 500 मशीनें होती हैं। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आगे की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।